ये जो कार्तिक पूर्णिमा है इसको गंगा स्नान के नाम से भी, गंगा स्नान के नाम से इसका बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस जो था उसका वध किया था, और इसलिए जो है इसको त्रिपुरारी पूर्णिमा भी इसको कहते हैं। और ये दिन, ये इतना बहुत महत्वपूर्ण का दिन है, इसमें ऐसी मान्यता है, पुराणों की ऐसी मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से जो शारीरिक कष्ट है वो दूर हो जाते हैं और इसका फल जो है बेहद लाभकारी है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप जो हैं गंगा को मैली ना करें, गंगा को स्वच्छ बनाएं। और ये एक पतित पावनी गंगा माता है, इसको जो पुराणों वेद शास्त्रों में सब में इसकी मतलब वर्णित कथा है। पौराणिक पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं फिर अनुरोध करता हूँ कि गंगा माता पतित पावनी माता को स्वच्छ रखने में सहयोग करें।